दोस्तों, रेड लाइट ब्लिंकिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके एप्सन प्रिंटर पे आता है। नॉर्मली जो रेड लाइट ब्लिंकिंग दोस्तों बहुत सारे कारणों से आ सकता है, चाहे आपका पेपर जाम हो, इंक का प्रॉब्लम हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर्विस रिक्वायर्ड। जो इंक पैड नीड्स सर्विस लाइफ करके जो प्रॉब्लम आता है वो लगभग लगभग आपके सारे मॉडल पे आता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है एडजस्टमेंट प्रोग्राम की जरूरत पड़ता है। आप जो है WIC का यूज कर सकते हो या फिर एप्सन का जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम आता है उससे भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं जो है inkjet.net का जो WIC का जो है आपका जो रीसेट प्रोग्राम है उसको किस तरीके से आप जो यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप जो इमरजेंसी पे उसको परचेस कर सकते हो, और किसी भी मॉडल का एक ही फाइल पे आप जो यूज कर सकते हो, ये इस वीडियो पे मैं आपको जो है बताऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन इन हिंदी पे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। inkjet.net जो है चिपलेस सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करता है उसकी मदद से आप जो है अपने प्रिंटर को रीसेट कर सकते हो घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको परचेस कर सकते हो और आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है गूगल खोलना है और गूगल पे सिंपली टाइप करना है आपको जो है inkjet.net, या फिर जो है दोस्तों इसके लिंक जो है हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप जो है वहाँ पर भी क्लिक करते ही आप जो है इसके वेबसाइट पे जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे, या फिर आप जो है इस तरीके से सिंपली गूगल पे भी टाइप करोगे inkjet.net तो यहाँ पास आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा यहाँ पास जो है inkjet सॉल्यूशन फॉर्मेयर सर्विस। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आप जो है इसके वेबसाइट पे जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे कि देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है inkjet.net का। तो यहाँ पास इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसे परचेस करना है, कैसे आपको जो है सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो पे अभी हम जो है आगे बताएंगे। तो यहाँ पास देखिए आप जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पास आप डायरेक्टली भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनका कांटेक्ट डिटेल वगैरह दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ जो सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड कराते हैं। आप जो है उनसे कॉन्टेक्ट करके आप जो है ये सर्विसेज भी जो है ले सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पास जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पास जो है फर्स्ट है WIC जो लिपिक का जो दिया हुआ है, उसके बाद प्राइस है, सॉफ्टवेयर है, फोरम है, वीडियो है और कॉन्टैक्ट है, प्लस इसमें जो इंटरफेस है, इसके बाइक वगैरह फीचर्स जो है उसको भी दिखाया गया है कि किस अगर आप जो है कार्ड पर ऐड करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पास जो है किस तरीके से आप जो है परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों जो है आपको जहाँ पर WIC जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से ऑप्शन जो है कुछ दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर अवर प्राइजेस करके कुछ जो है ऑफर इनके चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक की अगर आप परचेस करते हो तो, और जो है तीन की परचेस करते हो तो, या फिर पाँच की जो है परचेस करते हो तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके आप जो है परचेस कर सकते हो। और देख सकते हो दोस्तों ये कितने मॉडल पे सपोर्ट करेगा, ये यहाँ पास दिखाया गया है कि कौन कौन से सीरीज़ पे जो है सपोर्ट करेगा वो भी यहाँ पास दिखाया गया है। तो इतने सारे जो मॉडल आप देख रहे हैं ये सारे सीरीज़ पे ये जो सॉफ्टवेयर जो है सपोर्ट करेगा। आप एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये सारे जितने भी यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई से भी मॉडल को आप जो है रीसेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पास देखिए यहाँ पास चार लैंग्वेज यहाँ पास दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश है, स्पेनिश है, तो रशियन है। तो इनमें से आप जो है कोई से भी लैंग्वेज पे यहाँ पास जो है आप जो है कर सकते हो। आप जो है कोई से भी डाउनलोड करो, ये चारों ऑप्शन आपके डेस्कटॉप पे खुलेगा ही खुलेगा। आप जो है उसको जिसका आपको यूज़ करना है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हो जो आपको समझ में आए। जैसे कि नॉर्मली इंग्लिश सबको समझ में आता है तो इंग्लिश से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पास देखिए हम जैसे कि अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो उसके क्या करना है, हमको सिंपली इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। तो इस तरीके से यूज़र कंट्रोल के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो उसको यस कर दीजिएगा, फिर भी यस करना है आपको। देख सकते हैं जो वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको दिखा जा रहा है वही स्टेप आपको जो है फॉलो करना है। अगर आपके सिस्टम में दोस्तों जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक वगैरह नहीं है, विजुअल स्टूडियो नहीं है, C++, तो आप जो है इस तरीके से आपके सिस्टम पे जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और रहेगा तो ये जो सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब जो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है मिनिमाइज कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पास खोल के रखे हुए ब्राउज़र पे इसको, और हमारे जो है डेस्कटॉप पे यहाँ पास चार, यहाँ पास जो है अलग अलग लैंग्वेज पे जो एप्लीकेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमको क्या करना है, जो इंग्लिश वाला है उसको जो है यहाँ पास जो है ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा वेस्ट इनकाउंटर्स का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, दो क्लिक में आप जो है अपने प्रिंटर रीसेट कर सकते हो आप जो है। तो यहाँ पर देखिए, आपको वेस्ट इनकाउंटर जो दिया गया है उसके ऊपर क्या करना है, आपको यहाँ पास क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है दोस्तों, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फिर देख सकते हैं यहाँ पास जो भी मॉडल आपका कनेक्टेड रहेगा वो जो है ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा मॉडल भी, आप जितने भी मॉडल आप कनेक्ट करोगे उतने मॉडल को यहाँ पास जो है वो दिखाएगा, या फिर जिसको आपको रीसेट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास जो है रीड वेस्ट इन काउंटर्स पे यहाँ पास जो है आप कितना परसेंट आपका काउंटर जो है फुल है वो यहाँ पास जो है आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पास 0.14 यहाँ पास जो है काउंटर फुल है, तो यहाँ पास जो है जितना परसेंट आपका फुल है उसको जीरो करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 100% फुल होने के बाद ही हमारा प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बाद जो है रीसेट जो वेस्ट इन काउंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास जो है की पूछता है दोस्तों, तो वही की कहाँ से मिलेगा आपको, तो जहाँ पास जो है आपने परचेस किया सॉफ्टवेयर जो है परचेस किए वहाँ पास जो है आपके मेल जो डाले होंगे वहाँ पास आपको जिसका जो की मिलेगा उस की को यहाँ पास जो है पेस्ट करना है। और ये जो है देखिए, जैसे कि आप पेस्ट करके ओके करेंगे तो ये जो है रीसेट डन हो जाएगा आपका, और एक बार आपको प्रिंटर को जो है बंद करके चालू करना है। जैसे दोस्तों आप जो है प्रिंटर को बंद करके चालू कर देते हो तो आपका जो प्रिंटर जो है रेडी हो जाएगा, जो लाइट ब्लिंकिंग जो प्रॉब्लम जो हो रहा था वो जो है सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, और आपका जो है लाइट ब्लिंकिंग जो है वो ऑफ हो जाएगा और आपका जो प्रिंटर है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसको जो है रीसेट कर सकते हो inkscape.net का जो है यूज़ करके, चाहे आपका कोई सा भी मॉडल हो, लिस्ट में जो भी मॉडल आपका दिया गया हो वो सारे मॉडल को आप जो है इसके मदद से आप रीसेट कर सकते हो। तो सिंपली है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है इसका इंटरफेस जो है, आप दो क्लिक पे आसानी से इसको जो है कर सकते हो। तो देखिए, ये जो होने के बाद प्रिंटर बंद होकर के चालू करने के बाद एक बार फिर से आप जो है वेस्ट इन काउंटर को रीड कर सकते हैं यहाँ पास। तो देख सकते हैं यहाँ पास जो हमारा जितना परसेंट भी दिखा रहा था वो जो है जीरो हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका यूज़ जो है आप कर सकते हो।